1.4 एंड आई हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट। बाकी कुछ मैंने यहाँ पर जो नोट्स अपलोड किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हुए हैं, बट टुडे वी विल आई विल सॉल्व जस्ट टू मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.4 विच आर इवन दो दे आर सॉल्व बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अ मैथड लिटिल बिट, टेक्निक में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इन दिस क्लास, सो दैट एक्सरसाइज के अंदर उसने क्वेश्चन नंबर 9 में कहा हुआ है कि आप बैकवर्ड जो कंक्लूजन है उससे बैकवर्ड कैलकुलेशन की एक टेक्निक उसने कही है कि ये यूज करें और इसके जरिए आप प्रूफ को बिल्ड करने की कोशिश करें। सो स्टेटमेंट ये है प्रूफ करने के लिए, लेट ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स एंड एक्स वाई जी आर थ्री रियल नंबर्स, इफ एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव, ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स प्लस वाई ओवर टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। लेट मी राइट इट डाउन, इफ एक्स वाई इफ ए बी सी आर इंटीजर्स एंड एक्स कॉमा वाई आर रियल नंबर्स, देन वी हैव टू शो दिस थिंग एक्स प्लस वाई over 2 is greater than equal to square root of xy, right? So जो हमने statement prove करनी है x plus y over 2 is greater than equal to square root y, इस statement को हम थोड़ा सा backward calculation करके हम ये देखना चाहते हैं कि ये statement lie कैसे जा सकती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हमें given है इस प्रॉब्लम के अंदर, वो गिवन ये है कि जो एक्स और वाई है वो दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू यस, ठीक है, ये भी फर्दर हमें इस ए पार्ट के अंदर अजम्पशन दी है कि एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमने ये देखना है कि इस उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वेयर डू वी यूज दिस कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन आवर प्रॉब्लम। तो पहले तो हमने ये देखना है ये जो स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है, जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, इसको लाएंगे कैसे, इसको इसको थोड़ा सा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं ताकि ये अंदाजा हो कि हाउ डू वी गेट दिस इनइक्वालिटी। तो इसको अगर मैं जरा सा सिंप्लीफाई करूँ, इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बनता है x प्लस वाई, ये अब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम ओरिजिनल प्रूफ करने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ डू वी गेट दिस। अगर मैं इसके टू को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करूँ, देन दिस बिकम्स स्क्वायर रूट एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई टू और लेफ्ट साइड इज एक्स प्लस वाई। नाउ इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी तो ये बनती है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई बिकम्स, इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। और इफ वी टेक इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई और जब हम ये फोर एक्स वाई इधर लेके आते हैं तो ये माइनस फोर एक्स वाई हो जाता है, ठीक है, एंड दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई नहीं आएगा जी, सॉरी सॉरी प्लस टू एक्स वाई, सॉरी यू आर राइट, सो दिस इज प्लस टू एक्स वाई एंड माइनस फोर एक्स वाई जो था हम इधर लेके आए तो माइनस फोर एक्स वाई एंड दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब आप इसको करते हैं इसको इसका स्क्वायर वापस कंप्लीट करते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाती है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आप इसको दोबारा स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो ये बनती है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो. और इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन एक्स माइनस वाई, एक्चुअली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो होता है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है. किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करें तो वो पॉजिटिव ही होता है. अब यहाँ पर जो है ना वो जब आप इसको यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट लेते हुए आपकी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी जो नॉन नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी है. तो हम इसे स्टार्ट यहाँ से करेंगे. हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई और दोनों नॉन नेगेटिव है. और अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ, एक्स में से वाई माइनस करता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ, जो भी रियल नंबर आएगा एक्स माइनस वाई, जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो ये आप अजम्पशन या ये फैक्ट यहाँ पर लेकर स्टार्ट कर सकते हैं अपने थ्योरम को. सो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से फिर जो आपने बैकवर्ड कैलकुलेशन की है वो यहाँ तक आपको लेके जाती है. लेकिन उसके दरमियान में ये वाली प्रॉपर्टी यूज कहाँ होती है कि एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव, लेट मी टेल यू दैट. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द प्रूफ. तो प्रूफ में आप लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. ठीक है, देन वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इज सो. सो वी हैव, अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस वी विल हैव एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और जो आपने बैकवर्ड कैलकुलेशंस की थी वही आप यहाँ पर यूज करेंगे. यानी इसका पहले इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. फिर आप क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पर जो है वो फोर एक्स वाई ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इस साइड पर फोर एक्स वाई चाहिए. तो वी ऐड बोथ फोर एक्स वाई ऑन बोथ साइड. सो आप यहाँ पर बल्कि स्टेटमेंट लिख भी दें ऐड फोर एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, देन दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे पहले था माइनस टू एक्स वाई, आपने इसमें फोर एक्स वाई ऐड किया एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई. ठीक है, एंड देन दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई एंड देन दिस बिकम्स, मैं जरा शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. ठीक है, मैं एक स्टेप बीच में से मैं मिस कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई हैव रिटन. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई. अच्छा, इसके बाद अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका दोनों तरफ. ठीक है, सो वी राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स वाई. नाउ एज वी नो दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है ना. डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर आपने पढ़ा हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के. ठीक है, सिंस दिस इज ट्रू एज एब्सोल्यूट ऑफ
x plus y. And this is greater than equal to, अब 4 इसको जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई. ठीक है. नाउ सिंस बोथ एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव, अब हमें तो यहाँ पे चाहिए था एक्स प्लस वाई और हमारे पास जो आ रहा है वो एक्स प्लस वाई एब्सोल्यूट आ रहा है. ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट साइन को कैसे खत्म करें? देखें, एज हमें ये पता है कि x एंड y बोथ आर नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सो x प्लस y भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव. ठीक है, x प्लस y जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो उसका एब्सोल्यूट लेने से क्या आएगा? एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल टू प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा. सो दिस इज x प्लस y. ठीक है, इस वजह से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिप्लेस हो जाएगी इस x प्लस y से, वहां से एब्सोल्यूट का साइन खत्म हो जाएगा एंड यू विल हैव x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई और फिर आप इसी तरीके से दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, सो ये टेक्निक जो है वो आप यूज करते हैं अक्सर जब आपको प्रूफ कंस्ट्रक्ट करने होते हैं. मैंने आपको डायरेक्ट प्रूफ के अंदर स्टार्ट में ये बात बताई थी कि जब आप प्रूफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप पी से स्टार्ट तो करते हैं, जो हाइपोथेसिस होता है कंक्लूजन तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ आप ये भी देख रहे होते हैं हाउ टू रीच द कंक्लूजन. आप कंक्लूजन से थोड़ी सी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं कि उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आई कैन रीच दैट कंक्लूजन. ठीक है, सो ये टेक्निक जो है वो यूज होती है अक्सर प्रूफ्स के अंदर. आप थोड़ा सा बैकवर्ड आते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन या इनइक्वालिटी या रिजल्ट या सॉल्यूशन व्हाटएवर इट इज. ठीक है, वो हासिल करने के लिए आपको कैसे कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, क्या चीज यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो वो रफ में थोड़ी सी कैलकुलेशन या अपने माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप अंदाजा कर लेते हैं कि आपने क्या करना है यहाँ पर इस प्रूफ के अंदर. सो एक तो ये टेक्निक इस एग्जांपल के अंदर, इस 9A के अंदर डिस्कस हो रही है, एक्सरसाइज 9A के अंदर, और इसी के आई थिंक एक और पार्ट के अंदर भी. लेट मी शो यू द पार्ट सी, वहां पे भी यही टेक्निक यूज हो रही है. अब देखिए वो ये कह रहा है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी सी इज लेस देन जीरो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज टू रियल सॉल्यूशंस. अगर ये दो प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और बी सी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तो आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके आपने प्रूफ करना है कि इट हैज टू रियल सॉल्यूशंस. अब आपको ये फौरन दिमाग में जो है वो क्लिक करना चाहिए, जो चीज आपने प्रूफ करनी है पहले तो उसके बारे में अपना माइंड क्लियर करें कि हाउ डू यू ऑब्टेन दीज थिंग्स. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कहाँ से पता लगते हैं कि उसके दो रियल सॉल्यूशंस हैं या एक रिपीटेड सॉल्यूशन है या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है? हाउ डू यू गेट दैट? उसके डिस्क्रिमिनेंट से ही बात पता लगती है ना. तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो कब ये दो रियल सॉल्यूशन देता? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो. ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो के केस में दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आते हैं, रियल सॉल्यूशंस. लेस देन जीरो के केस में कौन से सॉल्यूशंस आते हैं? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं. ठीक है, एक x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, दूसरा x माइनस आयोटा वाई की फॉर्म में, और इक्वल टू जीरो की फॉर्म के केस में जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, रिपीटेड सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, और वो रिपीटेड फॉर्म में. ठीक है, वो एक ही सॉल्यूशन होता है, वहां पे फंक्शन जो है वो ढूंढना है.
इन दो इनइक्वालिटीज की मदद से। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो तो ए बी और बी सी के ऊपर गिवन, हमें चाहिए ए सी के ऊपर और बी स्क्वायर के ऊपर, कि इन दोनों का डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा। तो पहले तो हम ए सी की वैल्यू इनसे कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ए बी और बी सी से। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एज ए बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी सी इज लेस देन जीरो, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो ए बी और बी सी, हमें ए सी लाना था ना, तो ए सी किस सूरत में आ सकता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तभी ए और सी मल्टीप्लाई होंगे, वरना तो नहीं हो सकते। तो आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी और बी सी को, और क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसमें से ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बी स्क्वायर सी इज लेस देन जीरो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अब क्या रह गया, अगर ये तीनों का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर सी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, और उनमें से एक फैक्टर पॉजिटिव है, इट मींस के बाकी दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, और दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर ए और बी स्क्वायर और सी का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है, और उनमें से हमें ये पता है कि बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स जो दूसरा प्रोडक्ट होगा ए सी वो नेगेटिव होगा, जब ही जाके इनका प्रोडक्ट नेगेटिव था, तो ए सी विल बी लेस देन जीरो। एक तो यहाँ से ये बात पता लग गई। अब उस ए सी को यहाँ यूज कैसे करें, हम इस इनइक्वालिटी की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जरा कंसिडर कर लेते हैं। जब आपने खाली फोर से मल्टीप्लाई किया तो भी नेगेटिव आंसर आया, फोर ए सी इज लेस देन जीरो, और क्योंकि जीरो जो था वो लेस देन बी स्क्वायर था, जीरो लेस देन बी स्क्वायर था, इससे क्या नतीजा निकला कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी। देखिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो ग्रेटर देन फोर ए सी, दिस मीन्स बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी। ठीक है, अब बी स्क्वायर जब फोर ए सी से बड़ा है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर में से फोर ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये साइड पर ले जाए, फोर ए सी को दूसरी साइड पर ले जाए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी ग्रेटर देन जीरो, विच प्रूव्स दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल सॉल्यूशंस बिकॉज इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ से प्रूफ की, लेकिन उसके लिए आपने एक टेक्निक जो यूज की वो वही बैकवर्ड कैलकुलेशन की टेक्निक थी। पहले आपने जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है उसको एनालाइज कर लिया कि उसके अंदर वो लाना कैसे है, आपने रियल सॉल्यूशंस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अब वो आप वहां से कैसे ड्राइव करेंगे, फिर आपने वो सोचना है कि ए बी ग्रेटर देन जीरो बी सी लेस देन जीरो, इनसे कैसे आप डिराइव करेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, वो टेक्निक फिर आपको सोचनी है कि वो क्या आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, बाकी मैं आपसे आई वुड अर्ज यू टू डू द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, जिसमें शुरू के प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन 6 और 7, दे आर सेम एज वी डिड इन एग्जाम्पल्स, वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन थे उसमें केसेस बनाए थे आपने, केस 1 केस 2 और डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हुए, तो यहाँ पे सोल्यूशन हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट दीज टू वर स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, दैट्स वाई आई आई हैव सॉल्व देम। एनीवे द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दिस वाज 1.4, इसमें हमने बेसिक प्रूफ मेथड्स 1 स्टडी किया, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस सेक्शन के अंदर हम डायरेक्ट प्रूफ का मेथड स्टडी कर रहे हैं, यानी पी इम्प्लाइज क्यू को जो आपने प्रूफ करना है कंडीशनल स्टेटमेंट को, वो डायरेक्ट मेथड से प्रूफ करना है। डायरेक्ट मेथड क्या था, अगर आपको कुछ जहन में है तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते थे, पी को अज्यूम करते थे और क्यू को प्रूफ करते थे, यानी फॉरवर्ड मेथड यूज करते थे, लेकिन इस फॉरवर्ड मेथड के दौरान भी मैंने आपको ये बात बताई कि क्यू लाने के लिए भी आपको पहले क्यू को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, या थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर आप ये देख लें कि क्यू जो है वो कैसे ला सकते हैं। तो
वो तो था डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। अब एक्सरसाइज या सेक्शन 1.5 के अंदर उस टाइटल इज बेसिक प्रूफ मेथड्स 2, इसमें हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं विच आर कॉल्ड विच आर विच वी कॉल देम बाय इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ या इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं इनडायरेक्ट के अंदर। एक है जी प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन से आप प्रूफ करते हैं। और आपको पता है कि हर हर कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, लॉजिकल मीनिंग उनका सेम होता है। पी इम्प्लाइज क्यू इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो इसलिए आप चाहे तो पी इम्प्लाइज क्यू को प्रूफ करें डायरेक्टली, या फिर आप नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को प्रूफ करें, तो भी आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट वे कह रहे हैं। इनडायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पी इम्प्लाइज क्यू को प्रूफ करना था, आपने अज्यूम किया कि नॉट क्यू ट्रू है, मतलब उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ किया, आपने अज्यूम कर लिया कि नॉट क्यू ट्रू है, एंड देन यू प्रूव दैट नॉट पी विल बी ट्रू, ठीक है। सो आपने उसका जो कंक्लूजन था उसको फॉल्स सपोज करके चले, और आपने उसके हाइपोथेसिस को भी प्रूफ कर दिया कि वो भी फॉल्स होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखें, डायरेक्टली पी इम्प्लाइज क्यू को जिस तरह प्रूफ करते हैं उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी आप डायरेक्ट वे में प्रूफ करेंगे, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है व्हाट आई एम सेइंग। पी इम्प्लाइज क्यू को डायरेक्ट कैसे प्रूफ करते हैं, पी अज्यूम करते हैं, क्यू प्रूफ करते हैं। इसी का इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। जब आप ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे तो डायरेक्ट वे में ही ना, इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट वे में करेंगे, लेकिन पी इम्प्लाइज क्यू को इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है। जब आप नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को डायरेक्ट वे में प्रूफ करेंगे तो क्या अज्यूम करेंगे, नॉट क्यू को अज्यूम करेंगे, अज्यूम नॉट क्यू, और प्रूफ करेंगे नॉट पी, ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट प्रूफ हो गया, लेकिन उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव का डायरेक्ट प्रूफ हो गया। तो ये तो एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। और एक दूसरी टेक्निक है जो बड़ी फेमस है, पहले भी आपने यूज की है, इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आपने एफएससी के अंदर भी एक बड़ा फेमस प्रूफ पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इरेशनल, उसके अंदर ये टेक्निक यूज हुई है। फिर आपने सैंडविच थ्योरम को यूज करके एक इनइक्वालिटी प्रूव की थी, साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट प्रूफ की थी, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इक्वल्स वन, वहां पे भी इस कॉन्ट्रडिक्शन की मेथड को यूज किया था आपने, कॉन्ट्रडिक्शन एंड पर आप लेकर आते हैं, ठीक है। मेथड क्या है, पहले मैं मेथड एक्सप्लेन कर दूं। और ये मेथड जो है ये थोड़ा इट्स मोर एप्लीकेबल, कॉन्ट्रापोजिशन से ज्यादा इसकी यूसेज है। कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो सिर्फ यूज होता है उन उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में, ठीक है, उनके अंदर उन सिर्फ उन्हीं का कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप कर सकते हैं, और उसको आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूफ कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर ये दोनों किस्म की स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है, पी इम्प्लाइज क्यू के लिए भी, और अगर वो स्टेटमेंट सिंपल कोई एक प्रोपोजिशन हो जिसमें पी इम्प्लाइज क्यू ना हो, कोई पी हो, जस्ट आपने प्रूफ करना हो कि द स्टेटमेंट प्रूफ दैट द स्टेटमेंट पी इज ट्रू, ठीक है। ऑल दो उसके अंदर जो है वो कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन हो सकती है, और हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉट हो सकता है, या इम्प्लाइज भी हो सकता है, वो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, दीज थिंग्स आर पॉसिबल। बट कॉन्ट्रडिक्शन का मैथड है क्या, देखिए टेक्निक को जरा गौर से समझिएगा हम क्या बात कर रहे हैं। आपने प्रूफ करना है कि कोई स्टेटमेंट पी ट्रू है, आप इसमें सबसे पहले अज्यूम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं उसके कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे जो हम वर्ड्स यूज करते हैं ना प्रूफ के अंदर, अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो आपने सपोज लिखा है इसके साथ हम एक फ्रेज यूज करते हैं सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी का मतलब ये है कि आपने इसके ऑपोजिट सपोज करना है, जो प्रूफ करना था, जो कंक्लूजन लाना था उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे आप। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट पी इज नॉट ट्रू, ठीक है, आप फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज आपने प्रूफ करनी है उसी के खिलाफ सपोज करेंगे। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी नॉट पी, ये पी इज नॉट,
ठीक है, और समहाउ आप इस नॉट पी से कोई भी डिडक्शन करेंगे, कोई भी रूल अप्लाई करेंगे, जो भी रूल अप्लाई करेंगे उससे, मिसाल के तौर पर कोई एक स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। अब ये स्टेटमेंट उस थ्योरम के अंदर हो भी सकती है हाइपोथेसिस में और नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि उसके हाइपोथेसिस में हो, ये कहीं और से भी आ सकती है, कोई अपनी आप डिडक्शंस कर रहे हो दरमियान में, कोई रूल्स अप्लाई कर रहे हो, तो समहाउ ये स्टेटमेंट आपको मिल गई। क्यों मिल गया? क्यों कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो इस नॉट पी से डिड्यूस हो रही है, जो इस नॉट पी से डिराइव हो रही है, ठीक है, नॉट पी के ऊपर आपने कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं, आपको क्यू मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पर क्यू आपको मिला है, लेकिन क्यू की कोई और किसी और सोर्स से ओरिजिनली आपको पता है कि क्यू जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, मेरी बात को गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये क्यू आपको मिला है इस नॉट पी से, लेकिन क्यू के मुताबिक ओरिजिनली आपको किसी और वजह से, बाय डेफिनेशन या किसी और प्रीवियस रिजल्ट से या किसी और टेक्निक से आपको ये भी पता है, ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी नो दैट नॉट क्यू इज ट्रू, ठीक है, ये क्यू यहां से मिला है और नॉट क्यू के मुताबिक आपको पता है कि वो पहले से कि वो नॉट क्यू ट्रू है। तो अब एक ही स्टेटमेंट के अंदर क्यू एंड नॉट क्यू तो एक दफा में ट्रू नहीं हो सकते ना, आप कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई एक बात, कोई प्रोपोजिशन एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली कैन इट बी ट्रू और नॉट ट्रू एट द सेम टाइम? नो सर। नो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। जब आप ऐसी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट आपको मिल जाती है जो कि ओरिजिनली नॉट ट्रू थी, तो वहां पे आप कहते हैं कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ओरिजिनलिटी के साथ, किसी ट्रूथ के साथ, किसी गिवन हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है, किसी अजम्पशन के साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, वहां पे हम क्या लिखते हैं, हेंस दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। या समटाइम्स आप लिखते हैं हेंस क्यू, हेंस देयरफॉर क्यू विच कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन या विच कॉन्ट्रडिक्ट द हाइपोथेसिस या विच कॉन्ट्रडिक्ट फलां रिजल्ट, वो कोई ऑलरेडी नॉन रिजल्ट होगा जिसके साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा। तो कॉन्ट्रडिक्ट जब कर रहा होगा इसका मतलब है आपने जो सपोज किया था, जब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन से तो आगे कोई रास्ता नहीं है ना, आप जब यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया एवरीथिंग इज फॉल्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ओरिजिनल सपोजिशन की थी वो गलत सपोजिशन की थी। आपने क्या सपोज किया था ऑन कॉन्ट्रेरी? नॉट बी। तो आपने जो सपोज किया था वो गलत था, अगर वो गलत था तो इसका मतलब है जो आप उसके खिलाफ बात है वो दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है, उसके खिलाफ क्या है, पी। तो इस तरह इनडायरेक्टली आपने प्रूफ कर दिया कि पी इज ट्रू। आई बात समझ? यस सर। तो ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के अंदर। सो वी हैव स्टडी टू टेक्निक्स टुडे, एक को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, दूसरे को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैं एग्जाम्पल्स तो यहाँ हुई है, मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर जोर नहीं देता, हम चलते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ चलो ये वाली एक एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम ये दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं वर्बली देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के ऊपर जाऊंगा, डायरेक्टली हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। सो एक प्रूफ करना है कि ग्राफ जो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का ग्राफ और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, एक इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और दूसरा इनमें से लीनियर का ग्राफ, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है, एज यू ऑल नो दैट, ठीक है, कैलकुलस में पढ़ा होगा आपने, ये पैराबोलिक शेप है, और जो एक्स माइनस टू का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है ये एक्स माइनस टू, वो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कोई नहीं है, इनका जो सॉल्यूशंस, कॉमन सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के वो एम्प्टी है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखें हम कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट उसके सपोज कर रहे हैं, क्या कि ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था कि दीज टू ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट, हमने कॉन्ट्रेरी सपोज किया कि इन दोनों के ग्राफ्स इंटरसेक्ट
कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अलजेब्रिक उसका क्या सोल्यूशन होगा? अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे और वहां से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। जिस जिसने मैथ पढ़ी है, जिसको जिसका बैकग्राउंड मैथ का, सबको पता होना चाहिए कि जब हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, दो अल्जेब्रिक इक्वेशंस या किसी भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को भी, तो उनका सोल्यूशन जो होता है वो ग्राफिकली क्या बताता है कि वेयर डू द ग्राफ्स ऑफ दोज इक्वेशंस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं कि ग्राफ्स इंटरसेक्ट, इसका मतलब होता है उनका अल्जेब्रिक सोल्यूशन, साइमल्टेनियस सोल्यूशन उनका एग्जिस्ट कर रहा है। तो वी सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली। हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, दोनों इक्वेशन को, इनमें वाई की वैल्यू को एलिमिनेट करके एक्स को फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि दोनों वाई के इक्वल हैं, हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया तो वाई तो खत्म हो गया, पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, यहाँ गलती से एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। फिर आपने क्या किया, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एक्स को कैंसिल आउट किया। ठीक है, ये टू आप उधर लेके गए और या इधर लेके आए, तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड क्यू, ये कि ये वो क्यू है। आपने कहां से शुरू किया था, आपने नॉट पी से शुरू किया था, कॉन्ट्रेरी सपोज किया था। कॉन्ट्रेरी क्या सपोज किया था, दैट दे इंटरसेक्ट, ये डू हटा, डू नॉट हटा दिया था, दे डू इंटरसेक्ट नॉट पी। और आपने उससे एक क्यू फाइंड आउट किया, एक स्टेटमेंट फाइंड आउट की जो कह रही है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस फोर। क्या ये स्टेटमेंट किसी गिवन फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है? इसके मुताबिक थोड़ा सोचें, क्या किसी रियल नंबर के स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो सकता है? नो सर, नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज कैन नॉट, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। किसका कॉन्ट्रडिक्शन आया, एक फैक्ट का। वो फैक्ट क्या है, द स्क्वायर ऑफ, वो जो आपने अभी पीछे पढ़े भी हैं फैक्ट्स, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। ये आपने जब अभी पिछले दिनों क्वांटिफायर पढ़े थे तो वहां पर मैंने ये स्टेटमेंट ट्रांसलेट भी करके आपको बताई थी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट है जिसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी ये क्यू, के आप नेगेटिव ले रहे। ठीक है, देयर फॉर आपकी जो अजम्पशन थी वो गलत। अजम्पशन क्या थी, ग्राफ डू इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब है द ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट, हेंस वी हैव प्रूव्ड। और यही मेथड, यही टेक्निक आप यूज करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, जो कि बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, एफएससी में भी थी आपके एग्जांपल्स के अंदर, प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो वी वर प्रूविंग द स्टेटमेंट दैट स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर बाय यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। So by using the same technique, we'll start with the same phrase. Suppose on contrary, जो चीज आपने प्रूव करनी है कि स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, आप क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट स्क्वायर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि इस तरह तो ये स्टेटमेंट प्रूव नहीं हो रही थी, स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हाउ वुड यू प्रूव दैट? कोई हमारे पास कोई और टेक्निक नहीं है ऐसी, तो यूजफुल टेक्निक यही है, वो इरेशनल आपने प्रूव करना, आप उसे रैशनल सपोज कर लें, क्योंकि रैशनल की कोई ना कोई फॉर्म होती है, आप उसे किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने उसे रैशनल सपोज कर लिया, देन अगर वो रैशनल है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स पी एंड क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और स्क्वायर रूट टू कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। यहां पर हम एक सपोजिशन और करते हैं, फर्दर सपोज दैट पी एंड क्यू डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि पी और क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि उसके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, वो कैंसिल होके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ,
जैसे 16x4 अगर था, या 16x8 अगर था, या 16x20 था, तो आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 2 8s 16 और 2 10s 20 या 2 4s 8 और 2 5s 10, तो 4x5 की फॉर्म में लिखा है, दैट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। उसका कोई कॉमन डिवाइजर दोनों को डिवाइड नहीं करता। यहाँ पर जो हम अजम्पशन कर रहे हैं वो ये है, लेट मी राइट इट डाउन, जो है हम अजम्पशन कर रहे हैं वो है जी, जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दोनों का वो 1 है, दोनों को मैक्सिमम इंटीजर जो कॉमन डिवाइजर डिवाइड कर रहा है वो 1 है, 1 से बड़ा कोई और उनका डिवाइजर कॉमन नहीं है। ये हम अजम्पशन कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर फ्रैक्शन जो होती है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट होती है। आप 16x20 को लिख सकते हैं 4x5, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इन इट, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज पॉसिबल। अब हम क्या कहते हैं, हम इस इक्वेशन को देखते हैं, दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। आपने दोनों साइड पर क्यू मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ठीक है, क्यू उधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर से क्या साबित हुआ, पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 का कोई मल्टीपल है, इसका मतलब है पी स्क्वायर जो है वो इवन है, पी स्क्वायर इवन है। अब इसी इसी सेक्शन के अंदर आपने एक एग्जाम्पल पीछे प्रूफ किया है, कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर प्रूफ किया, मैं यहाँ पर उसका प्रूफ तो मैंने नहीं बताया आपको, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, चले उसका प्रूफ आप एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ आएगा। वो ये है कि लेट एम बी एन इंटीजर, प्रूव दैट इफ एम स्क्वायर इज इवन देन एम इज इवन। इसको हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूफ किया कि एम कोई इंटीजर है, अगर एम स्क्वायर इवन है, अगर स्क्वायर ऑफ इंटीजर इवन है तो एम खुद भी इवन होगा, ये प्रूफ था। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आप सपोज करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी एम इज ऑड देन प्रूफ दैट एम स्क्वायर इज ऑड, तो ऑड की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए स्क्वायर करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो इसका स्क्वायर भी ऑड है। ये मेथड कॉन्ट्रापोजिशन की एग्जांपल थी ये यहाँ पर। अब ये जो स्टेटमेंट है वो हम यूज कर रहे हैं इस प्रूफ के अंदर अपने इस स्टेज पर, यू कैन सी कि पी स्क्वायर इवन हमने यहां से निकाला है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, तो बाय द अबव एग्जांपल स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर एम स्क्वायर इवन है देन एम इज ऑल्सो इवन, तो पी स्क्वायर अगर इवन है तो इसका मतलब है पी भी इवन है, P अगर इवन है तो P को फिर किस तरह लिख सकते हैं, डेफिनेशन यूज करें, P कैन बी रिटन एज 2K फॉर सम इंटीजर K, ठीक है, P कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब इस P को इस इक्वेशन 2 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या होगा, 2K होल स्क्वायर इक्वल्स 2Q स्क्वायर। देखें यहां पर पी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 2K होल स्क्वायर, और राइट साइड क्या है 2Q स्क्वायर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो 2K होल स्क्वायर बिकम्स 4K स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें 2 कैंसिल करें तो क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बन जाएगा 2K स्क्वायर, ठीक है, ये 2 कैंसिल हुआ, ये क्यू स्क्वायर क्या आ गया 2K स्क्वायर आ गया। यहां से भी हमारे पास एक नतीजा निकलता है कि q स्क्वायर इवन है, बिकॉज q स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगेन बाय यूजिंग द लास्ट एग्जांपल कॉन्ट्रापोजिशन वाली जो एग्जांपल थी जिसको अभी हमने यहां यूज किया कि if p स्क्वायर इज इवन देन p इज इवन, वही एग्जांपल हम दोबारा यूज करते हैं क्योंकि q स्क्वायर इवन है, दिस इंप्लाइज q इज इवन अगेन बाय यूजिंग द सेम एग्जांपल। अब देखिए यहां तक आप किस नतीजे पर पहुंचे, एक तो आपने ये कहा कि P is even, मतलब P को P is a multiple of 2,
और इसके बाद आपने ये कहा कि क्यू इज इवन ऑल्सो, मतलब पी भी इवन है क्यू भी इवन है, पी बी और क्यू बी दोनों के कॉमन डिवाइजर है, व्हाट इज दैट कॉमन डिवाइजर? तो टू, क्योंकि दोनों इवन है तो कॉमन डिवाइजर टू है, जबकि हमने अज्यूम क्या किया था शुरू में कि पी एंड क्यू डिवाइजर डू का नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पी बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि पी एंड क्यू बोथ आर इवन, बोथ हैव कॉमन डिवाइजर टू, व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट पी ओवर क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देयरफॉर कॉन्ट्रडिक्शन आने के बाद यू गॉट द रिजल्ट कि जो आपकी अजम्पशन थी वो गलत थी, यानी स्क्वायर रूट टू रैशनल है ये बात गलत थी, तो व्हाट इज द रिजल्ट, दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल, ठीक है, दैट इज वी हैव प्रूफ हेयर। मैं ये एग्जाम्पल जो है ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में चलो कवर करूंगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन आपको ट्राई करते हैं ताकि आपको उसका आइडिया हो। लेट अस गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस।